सब्सक्राइब करें कैपिटल न्यूज पलामू यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। मेदिनीनगर बाजार क्षेत्र में चोरों ने एक दुकान को अपना निशाना बना रखा है। बसंत बहार के समीप बाजार क्षेत्र में स्थित मनोज प्रसाद के आटा चक्की मिल में लगातार तीसरी बार चोरों ने हाथ साफ किया। कुछ ही दिन पहले अष्टमी को भी चोरी की थी और आज जब मनोज प्रसाद दुकान आए तो देखा कि फिर से चोरी हुई है। ये दुकान में मेरा अष्टमी के रात के भी चोरी हुआ था आज, और आज सुबह सुबह जब दुकान आया तो देखे कि गोदरेज दुकान का दरवाजा जो है टूटा हुआ है। फिर अंदर जाने के बाद देखे कि गला टूटा हुआ है, सामान इधर से उधर बिखरा हुआ है, गोदरेज का ताला टूटा हुआ है, उसके अंदर लॉकर वो भी टूटा हुआ है। अंदाज लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये का चोरी हुआ है। लगातार होती चोरी की घटना पर वार्ड पार्षद नवीन कुमार गुप्ता उर्फ लाल बाबू ने आक्रोश प्रकट किया व प्रशासन से बाजार क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है। इस तरह का घटना काफ़ी निंदनीय है और इस माहौल में जितने भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं काफ़ी भयभीत सदा, क्योंकि आए दिन किसी न किसी के दुकान में इस तरह की चोरी की वारदात होती है।